हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? ये मेरी क्लासरूम है और इसीलिए मैंने बहुत दिनों से कोई वीडियो नहीं बनाया था। मैं यहाँ पढ़ाता हूँ। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 8 और उसका पार्ट करेंगे 8.3। बेटा, चैप्टर नंबर 8.3 जो है आपका बहुत ही इजी चैप्टर है, हार्ड नहीं है। इसमें एक दो क्वेश्चंस में थोड़ी सी ट्रिक लगानी पड़ती है और अगर आप पढ़ोगे ध्यान से तो आपको चैप्टर बहुत इजी लगेगा। तो चलिए शुरू करें। आज हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका हम एक्सरसाइज करेंगे 8.3। और इस एक्सरसाइज को अगर हम पहले के एक्सरसाइज से कंपेयर करें तो उनसे थोड़ी डिफ़िकल्ट है, बट 8.4 के कंपैरिजन में थोड़ी आसान भी है। तो एक बेसिक चैप्टर का वीडियो जो है वो मैं पहले बना चुका हूँ, उसको अगर आप देखना चाहो तो वो भी आप ढूंढ के सर्च करके देख सकते हैं। उसमें सारे बेसिक मैंने समझाए हैं कि ये चैप्टर क्या है, इसका पर्पस क्या है, और ऐसा बेसिक है जैसा आपको कहीं नहीं मिलेगा। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। पहला क्वेश्चन बेटा क्या है, इवेलुएट साइन 18 डिग्री अपॉन कॉस 72 डिग्री। अब ये जो साइन 18 डिग्री और कॉस 72 डिग्री है, इनको हमें बदलना पड़ेगा। ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक थ्योरम लगाएंगे, या इसको बोल सकते हो एक आइडेंटिटी लगाएंगे। ठीक है, आइडेंटिटी क्या है हमारी कि हम साइन को कॉस में बदल सकते हैं अगर हम उनकी जो थीटा है उसको 90 में से माइनस करवा दें तो। क्योंकि साइन की जो वैल्यू थीटा की है, कॉस की वो वैल्यू बन जाती है 90 माइनस थीटा में से, यानी कि हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, इक्वल करा सकते हैं। तो साइन 30 की वैल्यू हमेशा क्या आएगी हमारी, कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल आएगी। साइन थीटा की वैल्यू कॉस 90 माइनस थीटा की इक्वल आएगी, तो ये हमारी एक आइडेंटिटी भी बन गई है। चलो, तो मैं यहाँ से कन्वर्ट करने लगा हूँ साइन को या कॉस को, किसी एक को कन्वर्ट करूँगा। मैंने यहाँ से आइडेंटिटी लगाई साइन को कॉस में करने की, तो मैं साइन को कॉस में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, देखो साइन 18 डिग्री को कन्वर्ट करते हैं, ये बन जाएगा 90 माइनस 18, लेकिन कॉस में। सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि यहाँ साइन लिखा रहा है या कॉस लिखा रहा है, ठीक है, क्योंकि मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ कॉस में, और 18 डिग्री मेरी 90 में से माइनस हो रही है। ठीक है, ये एक कॉन्सेप्ट बना लो आप, क्या कि यहाँ जो मैं वैल्यू चेंज करूँगा इसमें साइन का ऑपोजिट आ जाएगा और 18 का 90 में से 18 माइनस हो जाएगा। ठीक है, मैं इतनी डिटेल इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम जो बच्चे मैंने जिनको पढ़ाया था उनको ये दिक्कत थी कि वो साइन का साइन रख रहे थे यहाँ, और यहाँ 18 का 90 माइनस 18 कर रहे थे, तो गलत था। यहाँ साइन का तो कॉस बदल जाएगा और 18 का 90 माइनस 18 हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात इसलिए मैंने क्लियर किया आपको। उसके बाद हमने देखा कि 90 माइनस 18 होता है 72, तो हमारी नई वैल्यू क्या बन गई है, कॉस 72। इट मीन्स साइन 18 भी वही होता है जो कॉस 72 होता है। ठीक है, ये दोनों बातें सेम है, तो मैं इन दोनों को रिप्लेस कर सकता हूँ, जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं इनको रिप्लेस कर दूंगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम करते हैं साइन 18 अपॉन कॉस 72, ये तो हमारा क्वेश्चन था। इस 18 को मैंने क्या चेंज कर दिया, कॉस 72, तो साइन 18 की जगह क्या लिख दूंगा मैं, कॉस 72। तो अब मेरी नई वैल्यू क्या हो गई, कॉस 72 अपॉन कॉस 72, एंड दैट इज़ हम इन दोनों को क्या कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं दोनों को, सेम वैल्यू आप डिवाइड हो जाती हैं। तो फाइनली आंसर क्या है हमारा, देखो 72 को 72 से डिवाइड कर दिया, कॉस 72 कॉस 72 डिवाइड हो गए, 1 आया, और अपॉन में 1 करके आंसर नंबर 1 आपका आ गया। ठीक है, इसी का सेकेंड पार्ट है। देखो क्या मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों सेम तरीके से हो रहे हैं, तो ये सेकेंड पार्ट बेटा आप ट्राई करना खुद से, ट्राई योर सेल्फ। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 हम कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखो है सिमिलर ही कॉस 48 और साइन 42। देखिए क्या क्वेश्चन है, कॉस 48 एंड साइन 42 बाई यूजिंग आइडेंटिटी, अगेन एक आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं हम, कॉस और साइन वाली सेम चीज़ है वो, चाहे साइन को कॉस में कन्वर्ट करो चाहे कॉस को साइन में करो, एक जगह थीटा रहेगा दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा, कितनी सिंपल बात है। ठीक है, अब हम देखें आगे क्या, मैंने कन्वर्ट कर दिया कॉस 48 को साइन 90 माइनस 48 में। ठीक है, तो 90 माइनस 48 क्या होता है, 42। इट मीन्स मेरी कॉस 48 की वही वैल्यू साइन की 42 की इक्वल आ जाएगी, इट मीन्स दे बोथ आर सेम। अगर ये दोनों सेम है तो क्यों ना मैं जो पहले मुझे क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट थी कॉस 42 या साइन 42 दोनों को किसी को सेम करने की, तो मैं इन दोनों को सेम लिख देता हूँ, कॉस 48 और साइन 42 इन दोनों को माइनस कराते हैं, दोनों माइनस नहीं हो पा रहे थे। अब मैंने क्या किया, वैल्यू चेंज कर दी इसकी, ये बन गया हमने अभी क्या बनाया इसको, साइन 42 बनाया, कॉस 48 को साइन 42, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया, यहाँ आ जाएगा साइन 42, और साइन 42 में से साइन 42 माइनस होगा तो क्या आंसर आता है, 0। ठीक है, और जो फोर्थ क्वेश्चन है बेटा वो देखो सेम ऐसा ही है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, फोर्थ क्वेश्चन इसके जैसा है, देखो सेम 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 मान लो।
तो ये हमारा नेक्स्ट पार्ट आपको ट्राई करना बेटा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन आपका हो गया। सेकंड क्वेश्चन क्या है, देखो, शो दैट 1048, 1023, 1042, 1067। आपको बेटा एक बात बता दें, अगर इनके बीच में कोई साइन नहीं आ रहा है, इट मीन्स ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ठीक है। दे आर मल्टीप्लाइंग, और इन चारों को मल्टीप्लाई करके मेरा वन आंसर आया, ऐसा प्रूव करना है। फर्स्ट के जैसा ही सेकंड होगा, बस इसमें यहाँ फ़र्क है, माइनस कराना पड़ेगा। यानी आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाओगे, जहाँ साइन नहीं, इनके बीच में कोई सिंबल नहीं लगाए, और यहाँ इनके फिर इसको माइनस कराएंगे। पहले मल्टीप्लाई होगा ये दोनों का पेयर, फिर आप इनको माइनस कराओगे। तो देखो फर्स्ट क्वेश्चन कैसे सेकंड का, 1048, 1023, 1042, 1067। मैंने दो को हाईलाइट करके रखा है, 1048 एंड 1042 को। क्यों? क्योंकि ये दोनों के दोनों 1042 और 42 एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री भी तो हैं। आपको यहाँ से समझना कैसे कि अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉम्प्लीमेंट्री हैं, इट मीन्स दोनों का सम मिलकर अगर 90 बनता है, तो वो दोनों एंगल आप पेयर में ले सकते हो, उन दोनों को आप सेम बना सकते हो। तो मैं यहाँ से 1048 और 1042 को साथ में लिख रहा हूँ, और 1023 या 1067 को साथ में लिख रहा हूँ। ये सब मल्टीप्लाई करने के बाद वन आना चाहिए। चलो चेक करते हैं आएगा कि नहीं। बाई यूजिंग आइडेंटिटी 10 थीटा इज इक्वल टू कॉट 90 माइनस थीटा। 10 थीटा और कॉट 90 माइनस थीटा सेम होते हैं, जैसे साइन और कॉस था वैसे ही टेन और कॉट होते हैं, ओके। तो मैंने सबसे पहले यहाँ चेंज कर लिया 48 वाले को। देखो 48 को मैं कॉट में बदलना चाह रहा हूँ, तो मैंने कॉट में बदला तो 10 का कॉट हो गया, देखो मैंने समझाया था ऊपर अभी, और 48 बन जाएगा 90 माइनस 48। कन्वर्ट करने के लिए ये करना पड़ता है, हमें चेंज करने के लिए करना पड़ता है। तो 1048 की वैल्यू क्या आ गई, कॉट 42 आ गई, क्योंकि 90 माइनस 48 क्या होता है, 42। इट मीन्स मैं 1048 को रिप्लेस करके कॉट 42 लिख सकता हूँ। इस इक्वेशन को मैं फर्स्ट इक्वेशन बना देता हूँ। फिर बात करते हैं सेकंड वाला जो मैंने यहाँ सेलेक्ट नहीं किया था, यानी 1023 एंड 1067। ये 1023 एंड 1067 क्या है, आपस में इसको कन्वर्ट करते हैं। 1023 कॉट 90 माइनस 23, देखो 10 का कॉट बन गया और 23 को 90 में से 23 माइनस करा दिया, ठीक है। तो 1023 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, कॉट 67। इट मीन्स इसकी बात क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है यहाँ समझो, इसका मतलब ये कह रहा है कि 1023 की जो वैल्यू है वो कॉट 76 कॉट 67 की सेम है। इसको बना दिया मैंने, हमने इक्वेशन नंबर 2 बना दिया, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, वापस से क्वेश्चन पे आते हैं, 1048, 1042, 1023 और 1067। अब क्योंकि इनके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा है और मैंने दो को चेंज किया है, कौन कौन से चेंज किए, इक्वेशन 1 में चेंज किया, इक्वेशन 2 में चेंज किया, तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों देखने के बाद, दोनों को साथ में मिलाने के बाद, उनकी वैल्यू को रिप्लेस करने के बाद, ठीक है, क्या वैल्यू आती है मेरी, कॉट 42, क्योंकि मैंने 1048 को कॉट 42 बना दिया, ठीक है, और 1042 को 1042 रखा मैंने। और यहाँ दूसरी वैल्यू कॉट 67, देखो मैंने क्या बनाई थी सेकंड इक्वेशन में, 1023 को कॉट 67 बना लिया, तो कॉट 67 हो गया और साथ में 1067 पहले से था। इनके बीच में मैंने डॉट लगाया है क्योंकि इस डॉट को मल्टीप्लाई के फॉर्म में हम काम में लेने वाले हैं, ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, एक आइडेंटिटी और लगाते हैं जो हमने पीछे चैप्टर में सीखी थी, वो क्या थी, कॉट थीटा को अगर 10 थीटा से मल्टीप्लाई किया जाए तो वो 1 बन जाता है, ठीक है। 10 थीटा मल्टीप्लाई बाई कॉट थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। अब मैंने दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया, कैसे, ये वाला कॉट 10 से मल्टीप्लाई कब, जब दोनों के डिग्री सेम होंगे, 42 डिग्री सेम है तो ही मैं इनको मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, क्योंकि यहाँ बेटा लगा है थीटा और ये थीटा, इस थीटा का मतलब सेम वैल्यूज हैं, ठीक है। और कॉट में भी देखो 67 एंड 67। अब आपको इसका कॉन्सेप्ट समझ में आएगा कि क्यों हमने दोनों को सेम बनाया, ताकि हम ये आइडेंटिटी लगा सकें, कॉट थीटा 10 थीटा मल्टीप्लाई होकर 1 बन जाएगा, इसीलिए मैंने इन सबको मल्टीप्लाई कराया। तो देखो क्या हो गया, इनका मल्टीप्लाई 1 आ गया, इनका मल्टीप्लाई 1 आ गया, तो 1 × 1 क्या बन जाएगा, 1 फाइनली, और हमारा LHS RHS दोनों सेम हो गए। अब देखो अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन समझ गए हो तो सेकंड आप खुद से कर भी सकते हो, कॉस 38 कॉस 52 साइन 38 साइन 52। इट मीन्स हमें चेंज करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने के लिए इस कॉस को साइन में बदलना पड़ेगा और इस साइन को कॉस में बदलना पड़ेगा। चलो करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। अच्छा ये आप भी ट्राई करो बेटा, ठीक है, आसान है, जैसे मैंने अभी समझाया, इन दोनों को चेंज करोगे, साइन को कॉस में बनाना और इस साइन को, इस कॉस को साइन में बनाना, इस साइन को कॉस में बनाना, फिर ये जो साइन है माइनस का, क्वेश्चन में थोड़ी समझने में अंडरस्टैंडिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, ये ब्रैकेट में रखोगे ना इन दोनों को, तो आपका क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा, आपकी जो वैल्यूज़ आएगी उन वैल्यूज़ को आप माइनस कराना बाद में, ओके। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इफ़ 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18 वेयर एज 2a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। अब आपको करना क्या बेटा, यहाँ देखो सबसे पहले क्वेश्चन, मैंने क्वेश्चन को ऐसे लिखा है जैसे आपको आंसर शीट में लिख के आना है, ठीक है, ये जो मैं बीच बीच में टिक कर रहा हूँ ये ऐसे ऐसे ही आप अपना ध्यान रखना कि ये सिर्फ मैं समझाने के लिए कर रहा हूँ। गिवन क्या है हमारे पास, 10 2a इज इक्वल टू कॉट a माइनस 18। हम सबसे पहले क्या करेंगे, 10 और कॉट आ रहा है मतलब बदल सकते हैं ना बेटा, 10 को और कॉट को बदल सकते हैं, तो सबसे पहले 10 को मैं कॉट में बदल रहा हूँ, इस वाले 10 को मैं कॉट में बदल रहा हूँ। मैं चाहता तो कॉट को भी 10 में बदल सकता था, सेम आंसर आएगा आपका, लेकिन एक मेथड याद रखो दोनों करने के लिए, एक आप प्रैक्टिस के लिए कर लेना।
टेन टू ए को मैंने बदल दिया कॉट 90 माइनस टू ए में, क्योंकि इस 10 को कन्वर्ट करते टाइम कॉट बना देंगे और 2a को 90 में से माइनस कर देंगे। बार 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 बता रहा हूँ, याद हो जाना चाहिए। अब हम क्या करते हैं, देखो बेटा टेन टू ए जो आपका टेन टू ए है और जो कॉट ए माइनस 18 है, क्वेश्चन है हमारा ये ना, ये हमारा क्वेश्चन है। तो मैंने इस 10 को बदल दिया किस में, कॉट 90 माइनस टू ए में, और इक्वल में ये वाली वैल्यू सेम रहेगी। मैं जस्ट इक्वेशन में टेन टू ए की वैल्यू रिप्लेस कर रहा हूँ कॉट 90 माइनस टू ए से, तो दोनों वैल्यू मेरी एल एच एस आर एच एस बन गई। देखो कॉट और कॉट सेम है, अगर दोनों कॉट की वैल्यू सेम है इट मीन्स इसके अंदर जो वैल्यूज लिखी हैं ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज हैं ये वाली और ये वाली, ये भी सेम होंगी। फिर मैंने क्या किया, इन दोनों को इक्वल कर दिया, कॉट हटा दिया मैंने यहाँ से। अब चाहो तो यहाँ इसको समझ सकते हो कि मैंने दोनों तरफ ऐसे कॉट से डिवाइड कर दिया, कॉट से दोनों को डिवाइड कर दिया, तो कॉट से कॉट कैंसिल हो गया, लेकिन ये ज़्यादा सुटेबल नहीं है आपके समझने के लिए। तो आप एक काम करना, इन दोनों में से 90 माइनस टू ए और ए माइनस 18 दोनों वैल्यूज़ को हम इक्वल ले रहे हैं। क्यों ले रहे हैं बेटा, क्योंकि कॉट की जो वैल्यू यहाँ और कॉट की जो वैल्यू यहाँ है दोनों सेम है, इसलिए मैं दोनों को इक्वल ले रहा हूँ। 90 माइनस टू ए इज इक्वल टू ए माइनस 18। आप क्या काम करो, बेसिक जो आपको समझ में आते हैं क्वेश्चन वैसे करोगे। कैसे, इस ए को तो मैं इधर ले जाता हूँ, ये बढ़िया रहेगा, या फिर इस टू ए को इधर ले जाऊँ बढ़िया रहेगा, क्योंकि माइनस की वैल्यू 2a की इधर आके प्लस की बन जाएगी और जो 18 इधर माइनस का इसके उधर जाएगा प्लस का 18 हो जाएगा। तो देखो फाइनल मैंने क्या किया, 90 प्लस 18, 18 को मैं यहाँ ले आया और जो 2a इसको मैं इस साइड ले आया RHS की साइड, ठीक है। तो ये बन जाएगा 108 और ये बन जाएगा 2a प्लस a 3a। अब a निकालने के लिए इस 3 को हम डिवाइड करते हैं, मैं 108 की डिवाइड की साइड में ले आऊँ इसको, तो 108 डिवाइडेड बाय 3 हो गया और a की वैल्यू बेटा क्या आ गई 36 डिवाइड करने के बाद। आपको इसमें a की वैल्यू फाइंड करनी थी। अब देखें हमारा थर्ड क्वेश्चन हो गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें फोर्थ। इफ़ 10a इज इक्वल टू कॉट b, प्रूव दैट a प्लस b इज इक्वल टू 90। आपको ये भी क्वेश्चन सेम उसी पैटर्न पे, सेम पैटर्न है बेटा, कोई डिफरेंस नहीं है। कॉट और 10 जहाँ जाए इसका मतलब आप इनको चेंज कर लेना। गिवन क्या था हमें, 10a इज इक्वल टू कॉट b, प्रूव क्या करना है a प्लस b इज इक्वल टू 90, ठीक है। आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, 10a को कॉट में बदलते हैं, तो 10 का तो कॉट हो गया और a का 90 माइनस a हो गया, ठीक है। तो 10 इज इक्वल टू कॉट b हमारा क्वेश्चन था। अब हम क्या करते हैं, जो 10a की वैल्यू हमने चेंज की है आइडेंटिटी से, इसको मैं यहाँ रिप्लेस कर देता हूँ। देखो कॉट 90 माइनस ए बन गया और इक्वल टू में सेम ये जो वैल्यू इस साइड RHS की RHS दोनों सेम रखी, मैंने LHS को रिप्लेस किया बेटा बस, ठीक है। और LHS को 10a को कॉट 90 माइनस ए से रिप्लेस किया है। अब सेम वही कंडीशन यहाँ भी आ रही है, कॉट की वैल्यू दोनों सेम है 90 माइनस ए और b, तो आप 90 माइनस ए इक्वल टू b रखो, कॉट को यहाँ से हटा दो। अब क्या करना चाहिए, देखो इस a को मैं यहाँ ले जाऊँ माइनस की तरफ, सॉरी माइनस इधर आ जाएगा प्लस में, तो ये बन जाएगा बी प्लस ए और इधर रह गया 90। अब आप इसको सही तरीके से लिख लो, हमने छोटी क्लासेस के चैप्टर में पढ़ी थी ना कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ए प्लस बी कहो चाहे बी प्लस ए कहो एक ही बात है, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90, ये हमारा प्रूव हो गया। क्वेश्चन में प्रूव करना था, देखो प्रूव दैट, जिस क्वेश्चन में प्रूव आ जाए तो लास्ट में हैंस प्रूव लिख दिया करो, अच्छा रखता है। अब देखो बेटा फिफ्थ क्वेश्चन, इफ़ sec 4a इज इक्वल टू cos sec a माइनस 20, वेयर एज 4a इज एन एक्यूट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। जो चीज़ गिवन होती है पहले वो लिखा करो, गिवन sec 4a इज इक्वल टू cos sec a माइनस 20। sec और cos sec आपस में एक दूसरे से 90 माइनस थीटा वाले रूल से बदल जाते हैं, तो sec थीटा इज इक्वल टू cos sec 90 माइनस थीटा बन जाएगा, ठीक है, बाई यूजिंग आइडेंटिटी। आपको कॉपी में लिखना हो, आंसर शीट में लिखना हो, जैसे मैं लिख रहा हूँ ऐसे लिख के आना, पूरे नंबर मिलेंगे आपको। sec 4a इज इक्वल टू cos sec 90 माइनस 4a, हमने क्या किया इसको बदल दिया, ठीक है। तो sec 4a को क्या बन गया, cos sec 90 माइनस 4a, ध्यान से देखना, देखो ये वैल्यूज़ क्या है, 4a यहाँ से 90 माइनस की तरफ आ गया और sec का बन गया cos sec, क्योंकि sec का ऑपोजिट होता है cos sec 90 माइनस 4a। अब क्या किया हमने, जो sec 4a है इसको रिप्लेस कर दिया बेटा इस वाली वैल्यू से, तो मतलब मैं अब इसकी जगह क्या लिख दूंगा, ये वाली वैल्यू, ठीक है। तो cos sec 90 माइनस 4 इज इक्वल टू cos sec a माइनस 20, सेम पैटर्न जो भी पहले के क्वेश्चन में यूज हुआ है, cos sec सेम है, तो मैं cos sec से हटा देता हूँ, यहाँ से cos sec हटा देता हूँ, ठीक है। तो क्या बचता है, 90 माइनस 4 इज इक्वल टू a माइनस 20, फिर सेम वही कंडीशन, अपनी बेसिक मैथ्स यूज करो आप, क्या बेटर रहेगा, 20 को यहाँ ले जाना बेटर रहेगा और 4 को इधर ले जाना बेटर रहेगा, ठीक है। तो मैंने क्या किया, 20 को इधर लिया तो प्लस का हो गया और 4a को इधर लाया तो प्लस का हो गया, माइनस से इक्वल की इधर आके प्लस में हो गया। ये बन जाएगा 110 इज इक्वल टू 5a और आप a निकालने के लिए 5 से डिवाइड करोगे तो 110 डिवाइडेड बाय 5, तो a की वैल्यू बेटा क्या आ गई 22। इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा था हमें, फाइंड द वैल्यू ऑफ a, तो हमने वैल्यू फाइंड कर ली a की वैल्यू। सिक्स क्वेश्चन है, इफ़ abc आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल abc, देन शो दैट साइन b प्लस a अपॉन 2 इज इक्वल टू cos a अपॉन 2। ये क्वेश्चन बेटा बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, चाहे वो बोर्ड का एग्जाम हो चाहे आपका क्लास टेस्ट या कोई टेस्ट हो, इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। गिवन क्या है, ए बी सी ट्राइंगल है,
ट्रायंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है? तीनों एंगल का सम क्या होता है बेटा? 180 होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी। ओके, अब मैं क्या करता हूँ, एंगल हटा के मैं एबीसी ले लेता हूँ क्वेश्चन की। देखो लैंग्वेज बी प्लस सी है, तो मैं उसी के अकॉर्डिंग करता हूँ क्वेश्चन। जैसा क्वेश्चन है उसी के अकॉर्डिंग बनाओ। ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। अब क्या करते हैं हम, देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें सब कुछ इधर उधर एक्सचेंज करना पड़ सकता है, कभी किसी से मल्टीप्लाई, कभी किसी से डिवाइड। तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना है। क्वेश्चन में दे रखा है बेटा देखो बी प्लस सी अपॉन में 2 और ए अपॉन 2, तो मुझे ऐसी कंडीशन बनानी है। तो मैं क्या करता हूँ, सबसे पहले एक बार नीचे वाला सारा छोड़ देता हूँ, ये सब छोड़ देता हूँ मैं। तो बचा क्या मेरे पास, बी प्लस सी इज इक्वल टू ए, कुछ ऐसी कंडीशन बन रही है। तो मैं क्या करूँ, ए प्लस बी प्लस सी वाले का ए इधर ले आता हूँ। तो देखो क्या करते हैं, सबसे पहले ये करते हैं, इस ए को मैं बेटा यहाँ ले आया इस तरफ, ठीक है। ए प्लस बी प्लस इक्वल टू 180, तो ए को इधर लाएंगे, क्या बन जाएगा, माइनस का ए। अब क्या करते हैं, नेक्स्ट स्टेप हमारी रहनी चाहिए, क्योंकि नीचे डिवाइड दिख रहा था मुझे इसके नीचे, देखो डिवाइड दिखाई दे रहा था, डिवाइडेड बाय 2, इसके नीचे डिवाइडेड बाय 2 था। तो मैंने क्या किया, दोनों साइड 2 से डिवाइड कर दिया, 2 से डिवाइड कर दिया, डिवाइडेड बाय 2, डिवाइडिंग बोथ साइड्स, बोथ इक्वेशन बाय 2 दोनों कह सकते हो। तो बी प्लस सी अपॉन 2 और 180 माइनस सी अपॉन 2 दोनों हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, मुझे क्या दिखाई दे रहे हैं दोनों में, एक तरफ साइन दिख रहा है, एक तरफ कॉस दिख रहा है। तो मैं क्या करता हूँ, इस साइन को सिलेक्ट करता हूँ, मैं दोनों साइड साइन को मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशंस बाय साइन। मैंने दोनों साइड साइन से मल्टीप्लाई कर दिया, साइन मल्टीप्लाई बाय एन साइन मल्टीप्लाई बाय आ गया, जो मेरी पहली इक्वेशन थी उसमें। अब देखो बेटा क्या काम है, यहाँ आपका एक बेसिक मैथ्स है, 180 माइनस ए अपॉन 2 जो है इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, 180 को 2 से डिवाइड करना है। बच्चे जल्दी में क्या करते हैं, 180 को 2 से काट देते हैं, 90 करते हैं और क्वेश्चन लिख के आते हैं 90 माइनस ए, और ये उनका हो जाता है गलत। क्यों गलत हो जाता है, क्योंकि बेटा डिवाइड का रूल क्या है, ये पूरा नंबर एक साथ डिवाइड होगा, आप अकेला एक पार्ट से एक पार्ट को डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है। तो मैं अगर पूरे नंबर को डिवाइड करना चाहता हूँ और हो नहीं रहा है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ, 180 को 2 से डिवाइड कर दो और ए को भी 2 से डिवाइड कर दो, दोनों को डिवाइड कर दो। तो नेक्स्ट स्टेप देखो, मैंने बेटा ये लिखी है, मैं क्या कर रहा हूँ, 180 को 2 से डिवाइड कर रहा हूँ और ए को 2 से कर रहा हूँ। तो 180 2 से डिवाइड हुआ था ना अभी, 90 माइनस के 90 आया था हमारा, तो 90 माइनस ए अपॉन 2 बन गया, जो भी आपका आया था 90 माइनस ए, ये रॉन्ग था, क्योंकि सही क्या है, 90 माइनस ए अपॉन 2 है। अब दोनों साइड देखो, साइन भी आ गया और बी प्लस ए अपॉन 2 आ रहा है, 90 माइनस ए अपॉन 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ हमें कॉस चाहिए था। गौर से देखो हमारे क्वेश्चन में यहाँ कॉस था, ये देखो ये रहा, तो इसको कॉस बना सकते हैं ना, साइन को कॉस बना सकते हो, साइन थीटा कैसे बनेगा, कॉस, कॉस 90 माइनस थीटा से बनेगा। तो देखो हम क्या करते हैं, यहाँ कॉस का साइन का कॉस बनाते हैं। पहले तो मैंने इसको सही से ऐसे लिख दिया जैसे ये लिखा जाना था, ये रहा। अब साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 बन चुका है, मैं यूज़ कर रहा हूँ आइडेंटिटी साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा, क्योंकि मुझे इस साइन को चेंज करना है, 90 माइनस थीटा के फॉर्म में दिख रहा है, देखो 90 माइनस थीटा, 90 के साथ माइनस हो रहा है, मतलब आइडेंटिटी आप बना सकते हो। तो मेरा इधर क्या बन जाएगा, साइन बी प्लस ए अपॉन 2 सेम है, एल एच एस को मैंने कुछ नहीं किया, आर एच एस में मैंने इस साइन 90 माइनस ए अपॉन 2 को मैंने कॉस में बदल दिया, देखो मेरा कॉस थीटा बन गया। तो थीटा हमारा क्या था, ए अपॉन 2, तो मैंने यहाँ लिख दिया ए अपॉन 2। तो हमारी देखो जो क्वेश्चन में पूछा गया था, क्या पूछा था क्वेश्चन में, साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2, तो सेम हमारा अगर फॉर्मेट बन रहा है, सेम हमारा फॉर्मेट साइन बी प्लस सी अपॉन 2 इज इक्वल टू कॉस ए अपॉन 2 बन रहा है, तो इसका मतलब हमारा आंसर यहाँ सही है, हेंस प्रोडक्ट आपका अप्रूव हो चुका है। ओके, लास्ट क्वेश्चन है बेटा एक्सरसाइज का, एक्सप्रेस साइन 67 डिग्री प्लस कॉस 95 डिग्री इन टर्म्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ एंगल बिटवीन 0 एंड 45। एक नंबर का उल्लू बनाने वाला क्वेश्चन है बेटा ये, आपको सिर्फ ये पूछा था इन दोनों की वैल्यू चेंज कर दो बस, क्योंकि वो वैल्यूज आपकी ना 0 से 45 डिग्री के बीच में आएंगी, और यहाँ बच्चों को कन्फ्यूजन होता है कि 0 से 45 के बीच में क्या बोलना चाह रहा है ये। जब आप इनको कन्वर्ट करोगे, ये साइन से कॉस में बदल जाएगा और ये कॉस से साइन में बदल जाएगा, तो अपने आप वैल्यूज इनके बीच में आ जाएंगी। देखो कैसे, ये हमारा क्वेश्चन है साइन 67 प्लस कॉस 75, आइडेंटिटी यूज़ करते हैं, साइन थीटा और कॉस 90 माइनस थीटा, कॉस थीटा और 90 माइनस साइन 90 माइनस थीटा, दोनों आइडेंटिटी यूज़ होंगी हमारी यहाँ। क्यों, क्योंकि मैं इस साइन को भी बदलना चाह रहा हूँ, इस कॉस को भी बदलना चाह रहा हूँ, ज़रूरत है हमारी 0 से 45 के बीच में वैल्यूज लाने के लिए। तो सबसे पहले मैंने साइन 67 को बदला, कॉस 90 माइनस 67 आ गया, ये बार 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 बोला था, अब तो आपको याद हो जाना चाहिए। तो ये बन गया साइन 67 किस में बन गया, कॉस 23 में बदल गया, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बना दी मैंने इसको। फिर देखो बेटा सेकेंड इक्वेशन के लिए, कॉस 95 को बदल देते हैं साइन 15 में। अब जब आप इस एक्सरसाइज में एक्सपर्ट हो जाओगे तो आपको डायरेक्टली पता चल जाएगा कॉस 75 साइन 15 के इक्वल होता है, ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। इन दोनों इक्वेशन को देखते हैं, देखो पहले हमारा क्वेश्चन था साइन 67 और कॉस 75 इक्वल है, क्या है, प्लस करने बेटा, इक्वल नहीं है, इसको प्लस करना है,
ये प्लस है, ठीक है। साइन 67 प्लस कॉस 75, इन दोनों प्लस करते हैं। अब हमारी पहली और दूसरी इक्वेशन में हमने जो वैल्यूज़ को बदला था, जो हमने साइन को कॉस में बदल दिया और कॉस को साइन में बदल दिया, वो वैल्यूज़ हम यहाँ यूज़ करते हैं। साइन 67 को क्या कह सकते हैं? कॉस 23। और कॉस 75 को क्या कह सकते हैं? साइन 15। यही आपका आंसर आ गया। देखो 23 डिग्री और 15 डिग्री दोनों 0 से 45 के बीच में आ रहे हैं, 0 टू 45 के बीच में आ रहे हैं। तो ये आपके एक्सरसाइज का पार्ट था बेटा, बहुत ईजी चैप्टर है और बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है, बेस है बेटा आपका, 11th 12th में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। ओके, थैंक यू।